अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS601 का जो आज आपका 2:30 बजे पेपर हुआ है, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स, ये स्टूडेंट ने भेजे थे, कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पेपर भेजे थे। तो उन्होंने कहा है कि MCQs वर फ्रॉम लेक्चर्स एंड स्लाइडर्स एंड नॉट फ्रॉम एनी पास्ट पेपर। तो MCQs जो थे वो आपके लेक्चर और स्लाइड में से ही आए थे, किसी पास्ट पेपर या ग्रैंड क्विज में से नहीं आए थे। बट मैं आपको एक फ़ाइल सजेस्ट करूँगा, वो है जुनेद फ़ाइल। उसको आप लाजमी तौर पर रीड करिएगा, क्योंकि मैं भी इस भाई ने उसको रीड ना किया हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उस फाइल में से हमेशा आधे से ज़्यादा MCQs आपके लाजमन आते हैं, तो आप उसको लाजमी रीड करिएगा। उसके बाद है टॉपिक्स ऑफ द MCQs। MCQs के टॉपिक जो थे वो WDM और TCP ओवर IP प्रोटोकॉल सूट के बारे में था, स्विचेस केबल और कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स बारे में था, TCP/IP जो इंटरनेट यूज़ करता है, जिस प्रोटोकॉल को कंप्यूटर जब कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ वो यूज़ करता है TCP/IP प्रोटोकॉल को। स्विच कुछ यूज़ होती हैं कहीं पे, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स जो हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट होती हैं, उनके बारे में MCQs आए थे। आपने इसको डिटेल से अपने हैंड आउट से पढ़ लेना है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद है डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। आपने इसके बारे में डिजिटल को इन एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल के बारे में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक यूट्यूबर वीजू लक्की, आप उसके लेक्चर लीजिएगा। आपको जो कन्वर्ट करने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ना, आपको वो वहाँ पर से बहुत ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो सकते हैं। मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे, आपको जितने भी कन्वर्जन वाले मेथड हैं आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद है टू सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, TCP/IP। तो TCP/IP एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको स्किप नहीं करना। तो ये आजकल के दौर में यूज़ भी बहुत होता है, तो विंस्टन यूनिवर्सिटी वही पेपर देती है जो आपका करंट सिचुएशन जो चल रही होती है ना, तो वो ट्राई करते हैं कि क्यों ना इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बनाएं। तो TCP/IP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्विस्टेड पेयर केबल गेम में से था और एक नॉइज़ SNR में से था। पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट था, तो पास्ट पेपर पर आप डिपेंड ना करें। आप पास्ट पेपर पर सब्जेक्टिव पार्ट पर, तो आप लाजमन कभी भी पास्ट पेपर पर डिपेंड ना किया करें, क्योंकि सब्जेक्टिव कभी भी आपके पास से नहीं आता। लेकिन MCQs के लिए मैंने आपको जुनेद की फ़ाइल रेफ़र किया है, तो वो आप इसको लाजमी करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कॉन्टैक्ट करके वो फ़ाइल मुझसे ले भी सकते हैं। नेक्स्ट है, ये 11:30 बजे का पेपर है। तो टोटल आपके क्वेश्चन 23 थे, 18 MCQs थे, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स से आए थे न्यूमेरिकल। तो इलेक्ट्रिक और एनालॉग सिग्नल का था, इलेक्ट्रिक और एनालॉग सिग्नल के बारे में आपने बताना था। इसके बाद टोपोलॉजी, आपके पास टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में आया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका आया था। उसके बाद गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के बारे में आया था। अब इस ये क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके जो हेडर फाइल्स हैं ना, उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, कभी गाइड और अनगाइडेड मीडिया के बारे में क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब पैकेट स्विचिंग और करंट स्विचिंग के बारे में बताना था, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो एक नेक्स्ट राउंड का जो पेपर आया वो था 18 MCQs से, लाइन के रिलेटेड था, कोडिंग स्कीम था, WDM, लेयर ऑफ कम्युनिकेशन, ट्विस्टेड केबल और इन चीज़ों में था। ये जो फर्स्ट वाले जो बताए थे जो भाई ने, वही इसने भी बताए हैं। तो PCM स्टेप्स के बारे में आपका क्वेश्चन थे, टेबल अबाउट RJ11, RJ59, RJ58, आपने इसको लाजमी पढ़ना है, क्योंकि आपके MCQ शार्ट और लॉन्ग तीनों में आ जाते हैं ये जो टेबल होता है। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने की तकनीक, ये चीज़ें, स्पेस सर्किट स्विच के बारे में था, प्रोटोकॉल्स हैं आपके लेयर और कनेक्टिंग प्रोटोकॉल के बारे में था। और इसके बाद जो है सब्जेक्टिव पार्ट आपका हार्ड था, लेकिन MCQs ईजी थे। MCQs आपके हमेशा ईजी होते हैं, आपने MCQs के बारे में टेंशन नहीं लेनी, MCQs आपको हमेशा ईजी मिलेंगे। लेकिन आपका सब्जेक्टिव पार्ट आपने कभी भी पास पेपर पर डिपेंड नहीं करना, आपका कोई क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका पास से नहीं आने वाला, क्योंकि पास जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो हमेशा आपका अपडेटेड होता है, लेकिन MCQs वो ज़्यादा नहीं बना सकते, तो वो आपके पास ही आते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो, आपने कमेंट लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।